जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों के साथ। ग्राम पंचायत भटपुरा में 13वें वित्त आयोग से बने शमशान घाट की स्थिति अत्यधिक खराब है। 6 साल पहले बनाया गया शमशान घाट अब खून के आंसू बहा रहा है। उसके पिलर दराज हो गई है, छत लगभग चटक गई है, उसका फर्श पूरी तरीके से उखड़ गया है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। लोगों को मुर्दा जलाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। भद्री प्रसाद निवासी भटपुरा ने बताया है कि शमशान घाट पर हेड पंप तक नहीं है, सबसे पहले यहां पर पानी की व्यवस्था की जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की है। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम भटपुरा। आपके यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, इसकी क्या स्थिति है? शमशान घाट बना है तो वहाँ का ना हम लोग जैसे ले जाते हैं मुर्दा जलाने के लिए, तो वहाँ का ना फर्स पूरा ऐसी मतलब जैसे बालू का पड़ा हो, सारा खुदा डला है सारा, और वहाँ हम लोग जाते हैं तो ये लगता है कि जैसे छत मत भी उसके प्लाई मिलाई भी क्रैक हो गए तो हम लोग का ना भी खतरा रहता है, कभी सारा गिर जाए छत तो हम लोग भी दब जाएंगे। फिर बॉन्डी होने चाहिए उसकी। मैं भाई साहब राम किशोर। कहाँ के रहने वाले? भटपुरा। आपके यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, इसकी क्या स्थिति है? अब बगड़ा पड़ू और मरम्मत होने चाहिए जल्दी से जल्दी। लगभग कितने साल चाचा जी आपका? हमारा भद्री प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? भटपुरा के। आपके यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, ये क्या है इसकी स्थिति? स्थिति तो बहुत जर्जर है, इसका नीचे का फर्श भी टूटा हुआ है, पूरा उखड़ गया है, और जैसे कोई आता है, लोग आते हैं, कोई गमी हो जाती है तो ना पानी की व्यवस्था है, ना हैंड पाइप है, ना बाउंड्री है। देख चाचा आपका। मेरा नाम हबीब शाह है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम भटपुरा। ये जो आपके यहाँ शमशान घाट बना हुआ है, इसकी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है साहब। वहाँ पर बढ़िया जो है नल लगना चाहिए और दस्ती होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे जलाने के लिए तो वो टूट भी सकता है सर, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि तार फेंसिंग करवा दी जाएगी वहाँ पर, अच्छा रहेगा। ठीक है साहब।